नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। क्लास नंबर थ्री, सेट नंबर थ्री आज हम करने वाले हैं और आज क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी सी बढ़ रही है। हम 35 क्वेश्चन डेली करते हैं इस बुक के, आज हम 40 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पांच क्वेश्चन हम बढ़ा दिए और यहाँ पे तीन चार वीडियो के बाद ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, मात्रक और गति। तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस की संख्या 50-50 हर वीडियो में करेंगे। ठीक, और चलिए शुरू करें। 1300 प्रश्नों का संकलन है इस बुक में, टोटल फिजिक्स ही फिजिक्स है। आप लोग की डिमांड आ रही है, सर बायोलॉजी कराइए, सर इसका केमिस्ट्री भी कराइए, भाई भी एक साथ कैसे होगा सभी। ठीक है, तो आप ये फिजिक्स खत्म कर लो 15-20 दिन में, उसके बाद आपका हम बायोलॉजी स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक, और आप लोग बोला न्यूमेरिकल सर पूरे आप अच्छे से नहीं लगाते, बाबू न्यूमेरिकल मैं बता देता हूँ किस तरीके से लगेगा। दिक्कत यह होता है ना फोन से वीडियो रिकॉर्ड करने में, स्क्रीन में ज्यादा स्पेस नहीं मिलता कि आपको न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा पाए। ठीक है, लेकिन मैं पूरा बताने की कोशिश करता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, कैसे लगेगा, यहाँ तक कि आंसर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, आज भी जो भी न्यूमेरिकल आएंगे, एक भी न्यूमेरिकल को मैंने छोड़ा नहीं है, शुरुआत से अंत तक अभी तक 70 क्वेश्चन कर चुके हो, आज आप करोगे 40 क्वेश्चन और कुल मिला के आज की वीडियो को लेकर 110 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे इस बुक के। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लो, और आप लोग यार वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वीडियो को शेयर करो और पहुंचाओ। ठीक, चलिए आइए शुरू करें। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा इस क्लास को, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एक तोप फायरिंग करने के बाद पीछे धक्का किस वजह से मारता है? ये भाई बाबू, चाहे तोप हो चाहे बंदूक हो, चाहे आप नाव से उतर के जमीन पे आ रहे हो, सब सब कुछ में आपको धक्का मारा जाता है। आप नाव को धक्का दोगे तो नाव भी आपकी तरफ धक्का देगा, बंदूक चलाओगे बंदूक से गोली छूटेगी, गोलू आगे जाएगी लेकिन बंदूक आपको पीछे धक्का देगा। सब कुछ न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार होता है, जिसे बोलते हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जिसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, पहला क्वेश्चन बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था। दो वस्तुओं के बीच घर्षण का कारण क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच घर्षण का कारण क्या होता है? तो याद रखिएगा, उनके पृष्ठ की अनियमितता, उनके पृष्ठ की अनियमितता, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलें। ध्यान रखिएगा, जिस वस्तु का भार जितना अधिक होगा उसका उस पर उतना ही अधिक घर्षण बल लगेगा, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें। जब कोई बंदूक चलाई जाती है तब वह गोली पर अग्रदेशित बल लगाती है, गोली भी बंदूक पर समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया में बल लगाता है, इस घटना की व्याख्या किस सिद्धांत से? मुझे बताने की जरूरत नहीं, आंसर आप सभी को पता है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, ऑप्शन नंबर इसका तीन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें। चलती बस में अचानक ब्रेक लगाने पर हम आगे की ओर गिरते हैं, इस कारण का प्रतिपादन किसने किया था? देखो भाई, चलती बस है तो हमारा पैर बस के टच में है, हमारा पैर बस के टच में है और हमारा शरीर ऊपर है, तो हमारा पैर बस के टच में यानी कि पैर बस के साथ गतिमान है, बस अचानक रुकेगी तो हमारा पैर रुकेगा लेकिन हमारा शरीर गतिमान रहने की कोशिश करेगा, जिससे हम आगे की ओर झुक जाते हैं। और यहाँ पे कौन सा जड़त्व काम करता है? यहाँ पे आपका गति जड़त्व काम करता है। ठीक है, गति जड़त्व काम करता है, और याद रखिएगा ये न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित करता है ये आपसे पूछे तो याद रखिएगा, ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम को प्रतिपादित करता है, ऑप्शन नंबर ए। और पहला नियम ही आपको जड़त्व का, पहला नियम जो होता है न्यूटन का, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहने की कोशिश करेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है गतिशील रहने की कोशिश करेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, इसी बल को ही हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, न्यूटन के पहले नियम को ही। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें। एक कार स्थिर अवस्था में प्रारंभ करती है, चलना प्रारंभ करती है, ठीक, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियमित त्वरण से चलती है, तो दूसरे सेकंड चली गई दूरी आपको बतानी है, क्या बतानी है? दूरी बतानी है। दूरी को किससे डिनोट करते हैं? गति के तीनों समीकरण याद होगा तो यस से डिनोट करते हैं दूरी को, तो यस वाला समीकरण कौन सा होगा? न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है? एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक कार स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, कोई दिक्कत नहीं है, कार रुकी हुई है स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग जीरो हो जाएगा, यानी कि u जीरो होगा तो t भी यहाँ पे जीरो हो जाएगा। s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर बचा, ठीक, हाफ ए टी स्क्वायर, a दिया है ना, त्वरण दिया है, यानी कि हाफ 1/2 गुणे 2, और t कितना है भाई? दूसरे सेकंड चली गई दूरी, यानी कि t आपका 2 होगा, 2 सेकंड यानी कि 2 और गुणे 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए यार त्वरण तो 6 दिया ना, हाँ 2 से काट दो, ये 6 × 12 12 मीटर, ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत हुआ? एस बराबर यूटी प्लस हाफ इंट, उसका ध्यान रखिएगा, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो वहाँ पे पहले खड़ी थी ना, इसका मतलब प्रारंभिक वेग जीरो था।
प्रारंभिक वेग यू बार वह 0 था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें। समान रफ्तार में बढ़ रही एक रेलवे ट्रेन में बैठा हुआ एक बालक हवा में गेंद सीधे उछलता है तो क्या फर्क पड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा, समान रफ्तार से बढ़ रही एक रेलवे ट्रेन में बैठा हुआ एक बालक हवा में गेंद उछलता है तो गेंद उसके हाथ में आकर गिरेगी। ये ध्यान रखिएगा, गेंद उसके हाथ में आकर गिरेगी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। नॉट इनमें से किसकी गति की इकाई है? नॉट किसकी गति की इकाई है? तो नॉट की बात करें समुद्री जहाज की गति की इकाई है, समुद्री जहाज की गति की इकाई है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर होगा। नॉट समुद्री जहाज की गति। क्वेश्चन 78 की बात करें, दूध को मथने पर मलाई इसमें से किस कारण से अलग हो जाती है? दूध को मथने पर मलाई इसमें से किस कारण से अलग हो जाती है? तो याद रखिएगा, दूध को मथने पर अपकेंद्र पसारी बल या अपकेंद्रीय बल लगता है जो वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर लगता है। यही बल सेम वॉशिंग मशीन में भी लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अपकेंद्र पसारी बल के कारण यहाँ पे क्रीम अलग हो जाती है। 79 की बात करें, एक बस एक निश्चित दूरी के आधे भाग को V1 गति से, मतलब ये दूरी है टोटल, आधे भाग को V1 वेग से आधे भाग को V2 वेग से गति में तय करके बताइए कि कुल यात्रा में औसत गति क्या रही। भाई ये तो एकदम फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप याद रखना, आप आसानी से लगा लोगे। ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि एक बस एक निश्चित दूरी के आधे भाग को 10 किलोमीटर पर घंटे की गति से, आधे भाग को बचे हुए आधे भाग को 20 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय करती है तो बताइए यात्रा में औसत दूरी। तो आप फॉर्मूला याद रखना, तो सिंपल फॉर्मूला 2V1E2/V1+V2, ये फॉर्मूला याद रखना, 2V1E2/V1+V2, इस पे आपके न्यूमेरिकल लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, गेंद को लपकते समय क्रिकेट खिलाड़ी अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेता है। हाथ पीछे खींचने पर किस अवधारणा पर आधारित होता है? हाथ पीछे खींचना किस अवधारणा पर आधारित होता है? तो याद रखिएगा, ये आवेग, सारा चीज मोमेंटम पे होता है। ठीक, इसमें देखो, हाथ पीछे करता है जिससे कैच लेने में ज्यादा समय लगे। जब समय में वृद्धि करता है और समय में वृद्धि करेगा तो कैच लेने में आसानी होगा और उसका आघात का तत्व, ठीक, वो कम होगा। ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर होगा। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, किस कारण से कोई साइकिल चालक मुड़ते समय अपने शरीर को केंद्र की ओर झुका लेता है? किस कारण से अपकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर 4, नहीं झुकाएगा तो गिरने की संभावना रहेगी। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें, प्रदीप्त तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? प्रदीप्त तीव्रता की एसआई इकाई की बात करें, क्या है? कैंडेला है। क्या? कैंडेला है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, दबाव की एसआई इकाई क्या है? दाब की एसआई इकाई क्या होती है? पास्कल होती है। ठीक, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रिक पावर की इकाई की बात करें तो ये विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। किसका? विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर इंग्लिश में है, विद्युत शक्ति हिंदी है। ठीक, तो विद्युत शक्ति का मात्रक की बात करें वाट होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हवा की गति किससे मापी जाती है? तो एनीमियोमीटर से हवा की गति मापते हैं। ठीक है, चलो टैकोमीटर से घूर्णन गति मापते हैं, भूकंप तो सिस्मोग्राफ से मापते हैं, बैरोमीटर से आप जानते हो क्या मापते हैं। ठीक है, चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर बात करें, हर क्रिया की बराबर और विपरीत क्रिया, यह न्यूटन के तीसरे नियम है। भाई तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया तीसरा नियम है। 87 की बात करें, दूरी की इकाई नॉटिकल माइल उपयोग किया जाता है किसमें? उपयोग किया जाता है तो नौ संचालकों द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। ये एक प्रकार का गैर एसआई मात्रक होता है नॉटिकल माइल, और नौ चालकों द्वारा समुद्र एवं वायु के ध्रुवीय अन्वेषण में भी इस मात्रक का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलो, क्वेश्चन नंबर बात करें 88, किलोवाट मात्रक का उपयोग किसके मापन में होता है? तो किलोवाट मात्रक का उपयोग यहाँ पे शक्ति के मापन में होता है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करा, हीरा किसमें तौला जाता है? तो हीरा याद रखिएगा, कैरेट में तौला जाता है, ऑप्शन नंबर 3, कैरेट। ठीक, और एक कैरेट में लगभग 200 मिलीग्राम होता है हीरा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, रॉकेट के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग रूपांतरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। 91 की बात करें, सामान्य दूध के मंथन से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है लेकिन अलग तरीके से पूछ रहा है, तो केंद्राभिसारी बल के कारण, केंद्र से बाहर केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं, और केंद्र से बाहर की तरफ जो बल था उसे अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। ठीक, तो ये अपकेंद्रीय बल होता है, केंद्राभिसारी बल भी जिसे बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 92, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को और 3.6 मीटर पर सेकंड त्वरण बल
त्वरण कितना बल प्रदान करेगी। देखो द्रव्यमान दिया है यानी कि यम दिया है आपका कितना 4 किलोग्राम, और क्या दिया है 3.6, त्वरण दिया है ए बराबर 3.6, तो आपसे बल पूछा है एफ बराबर एम ए। भाई इसका मल्टीप्लाई करो 4 × 3.6 का आंसर आपको तुरंत खटाक से मिल जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा लगभग 14.4 न्यूटन, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें, आवृत्ति की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा है। आवृत्त का इकाई निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आवृत्त किसकी इकाई है, हर्ट्ज की इकाई है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, किसके द्वारा आकृतिकार घूर्णन गति पश्चाकर गति या रेसिप्रोकेटिंग मोशन में परिवर्तित हो जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा शाफ्ट और पुली के द्वारा आकृतिकार घूर्णन गति जो होती है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में परिवर्तित हो जाती है, ऑप्शन नंबर 1। 95 की बात करें, दबाव की एसआई क्या क्या है, दबाव दाब या प्रेशर की एसआई इकाई होती है पास्कल, ऑप्शन नंबर 1। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा है, इलेक्ट्रिक पावर विद्युत वाट है, ये तो रिपीट हो रहा है भाई सेम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, तो अदिश राशि कौन सी है, ट्रिक मैंने बताई थी पहले क्लास में, तो पहला क्लास देखो, शुरुआत से देखो तभी मजा आएगा आपका। वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती उन्हें अदिश राशियां बोलते हैं। द्रव्यमान घनत्व तापमान विद्युत धारा समय चाल आयतन कार्य शक्ति ऊर्जा ये सारे अदिश राशियां, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऊर्जा और शक्ति दोनों आपकी अदिश राशियां हैं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें, किस बल के कारण ब्रेक लगाने पर कार रुक जाती है, तो किस बल के कारण रुक जाती है बाबू, ये हो जाती है केंद्राभिमुखी बल के कारण, केंद्राभिमुखी बल के कारण है यहाँ पे जो बल लगा ब्रेक लगाते हैं कार रुक जाती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 99। तो इस क्वेश्चन की बात करें, ये 99 नंबर क्वेश्चन, इसमें मुझे थोड़ा सा कहीं एरर लग रहा था, थोड़ा सा कहीं फॉल्ट लग रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर जो आपसे पता चल पाता आपको कि ये पे फॉल्ट कहाँ पे है तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता, कौन सा कभी प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता, तो याद रखिएगा बल कभी अकेला नहीं होता, न्यूटन के अनुसार बल प्रकृति में कभी अकेले नहीं हो सकता। ठीक, यह दो निकायों के बीच आपसी प्रतिक्रिया पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 101 की बात करें, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है, v बराबर u प्लस at होता है, तो गति का पहला समीकरण की बात करें वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर बात करें, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, आप सबको पता है 3×10^8 मीटर पर सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर 1। संवेग की इकाई क्या होती है, संवेग की इकाई की बात करें क्या होती है, संवेग की इकाई होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर यहां पे 2 राइट आंसर होगा। ठीक, संवेग की बात करें किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है, कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है, तो याद रखिएगा शक्ति। ठीक है, और शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति आपकी कार्य करने की दर कहलाती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 105, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है, तो याद रखिएगा दिशा परिवर्तित होता है, ऑप्शन नंबर 4। 106 की बात करें, किसी तल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है, याद रखिएगा वाष्पीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 वाष्पीकरण। ठीक, 107 की बात करें, 107 आपका एसआई का भार क्या है, एसआई इकाई का भार क्या है, तो एसआई इकाई की भार की बात करें क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक, भार की एसआई इकाई, सॉरी थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन दिया है, भार की एसआई इकाई होता है न्यूटन, ऑप्शन नंबर यहां पे 2 हो जाएगा। 108 की बात करें, हार्स पावर किसके बराबर, तो हार्स पावर की बात करें, एक हार्स पावर आपका 746 वाट के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। 109 की बात करें, निम्नलिखित उदाहरण में से किसी एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है, किस एक में एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है, ध्यान रखिएगा जब वृत्ताकार पथ पर दौड़ना होता है तब। तो ये थे दोस्तों 109 क्वेश्चन आज के हमने किए टोटल। ठीक है, तो ये अब देखो 40-40 कर रहे हैं, ये चैप्टर जैसे ही खत्म होता है 2 वीडियो और बनेगा इस चैप्टर, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मात्रक और गति, इसके बाद जो भी चैप्टर्स मिलेंगे जो भी चीज़ें मिलेंगी उसमें आपको 50 क्वेश्चन मैं कम से कम कराने की कोशिश करूंगा हर क्लास में। अभी आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आप उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अच्छे से मैं कराने की कोशिश करूंगा, और साथ में और जितना जल्दी खत्म होगा मैं बायोलॉजी स्टार्ट कर सकूंगा। ठीक, चलिए क्लास को लाइक करिए, कमेंट्स अच्छे से करना मत भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।